नमस्कार, मी पूजा पावसकर. हॅलो कोल्हापूरमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आज आपल्याबरोबर आहेत कमालिका घोषाल, जे की ऑल द वे कोलकातावरून आले तिथे, आणि शी इज बेसिकली अ माइंड अँड मोटिवेशनल ट्रेनर. हॅलो कमालिका, वेलकम टू दिस शो. हाय. अँड सबसे पहिले तो बताइए, कोल्हापूर आप पहली बारी आए हो, कोलकाता बहुत दूर से आए हो आप, अँड टेल मी माइंड पॉवर मे आप जैसे की यू आर एक्सपर्ट इन टू दॅट फील्ड. सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए की माइंड पॉवर होता क्या है. माइंड पावर एक अनंत शक्ति है हमारे माइंड की, जो हम लोग आज तक हमारे बॉडी पावर को लेके काम कर रहे हैं. जैसे हमारा पूरा 10 to 20% हम बॉडी पावर को लेके काम करते हैं. जैसे हम बॉडी का निर्स्वार्थ पूरा हो चुका है, रोटी कपड़ा मकान, जिसके लिए हम पढ़ाई करते हैं, जिसके लिए हम कॉलेज जाते हैं, जिसके लिए हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन जो हमारे जो माइंड का नीड है वो आज तक हम लोग पूरा नहीं किए हैं. तो हमारा माइंड पावर मतलब हमारे जो दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शस माइंड, एक सबकॉन्शस माइंड. कॉन्शस माइंड के पावर रहता है 10% और सबकॉन्शस माइंड के पावर रहता है 90%. हम तो कहते हैं सर सबकॉन्शस माइंड के पावर अनंत रहता है, जिसका कोई पावर नहीं है, जिसका 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 कोई अनंत मतलब जिसका कोई मतलब रेंज नहीं है, अंत नहीं है. तो इसी को कहते हैं माइंड पावर, हमारे मन की अनंत शक्ति के बारे में हम जानेंगे. बराबर है. तो जैसे आपने अभी बोलते समय बोला कि हम लोग पूरा अपना माइंड पावर यूज़ करते नहीं है, काफ़ी होगा हमारे पास, हमें भी पता नहीं है. तो हमें बताइए, जो कोई भी हमारे लेजेंड्स हुए हैं, फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन है, विवेकानंद जी है, बुद्धा है, तो उन्होंने ऐसा क्या किया या फिर कितना इस्तेमाल किया अपने माइंड पावर का जो हम लोग नहीं कर रहे. देखा गया है सर्वे करते हुए, अमेरिका में सर्वे करते हुए देखा गया है, जस्ट 3 to 4% लोग माइंड को यूज़ करके अपने गोल को, लक्ष्य को बना के माइंड की यूज़ करके वो सारे वर्ल्ड के सुपर पावर होके घूम रहे हैं. और हमारे विवेकानंद जी 2.5% यूज़ किए, हमारे आइंस्टाइन वो 4.5% यूज़ करके पूरे वर्ल्ड को जीत गए हैं, और हमारे विवेकानंद जी भी वही पावर यूज़ करके सारे वर्ल्ड को प्यार दे के जीते हैं. तो हम देखा गया है हमारे इंडिया में, हम अपने माइंड को सर्वे करके देखा गया है, ना ही हमारे गोल है, ना ही हम माइंड पावर को यूज़ करते, जस्ट साधारण जीवन जीते. इसीलिए अगर अमेरिका 3.5% वो यूज़ करके सारे वर्ल्ड के सुपर पावर होके घूम रहे हैं, तो इंडिया में लोग कितने परसेंट होके घूम रहे हैं, आप बोलिए. बिल्कुल, मतलब यूजुअली हम लोग को ये नोटिस नहीं करते हैं कि देखिए माइंड पावर. कभी कभी हम लोग अगर सोचे तो देखिए बुद्धा ने जो किया, विवेकानंद ने जो किया, वो शायद हम भी कर सकते हैं, हम भी उतना माइंड पावर यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग करते नहीं हैं या फिर बताया नहीं गया हमें कैसे करते हैं. राइट. इसी के लिए आप जैसे जो माइंड ट्रेनर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो मुझे बताइए कि देखिए माइंड पावर इज़ अ बिग टॉपिक, मतलब वो ख़त्म कभी होगा ही नहीं, इतना वाइड है. बट अगर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहे तो वॉट कैन वी डू, कैसे एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं माइंड के, जिससे हमारे जीवन में सुधार आ सकता है. जैसे हम एक्सरसाइज में, जैसे हम फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा प्राणायाम जो माइंड के लिए बहुत काम करता है. अगर हम फ्री हैंड एक्सरसाइज भी करें, अगर हम योगा प्राणायाम भी करें, साधारण सी बात कर रहे हैं जो करें, तो उसमें भी हमारे हमारे जो माइंड से एक डोपामिन बोल के हार्मोन निकलता है, जो हमारे माइंड को हैप्पीनेस देता है, क्योंकि हम सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन हम वो माइंड को यूज नहीं करते, इसीलिए खुश नहीं रह सकते. और रिलैक्सेशन बोल के हमारे एक माइंड का टेक्निक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं. मेडिटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं. हम हीलिंग को यूज़ कर सकते हैं, कॉस्मिक हीलिंग को यूज़ कर सकते हैं. जैसे हर ऑर्गन को हम कैसे रिलैक्स करें, हर ऑर्गन को कैसे कॉस्मिक हीलिंग द्वारा हम रिलैक्स करें, रिचार्ज करें अपने आप को, वो सब यूज़ करके, एक्सरसाइज करके हम अपने माइंड को रिचार्ज कर सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं. मतलब वो टेक्निक्स अगर हम लोग सीख ले तो खुद हमारे पास उतना पावर है कि हम वो यूज कर सकते. हम अपने माइंड के द्वारा कुछ भी हासिल कर सकते, बाहरी जगत का, अगर मैटेरियलिस्टिक लाइफ हो, अगर हम हेल्दी होना चाहते हैं, अगर हम वेल्दी होना चाहते, खुश जीवन जीना चाहते, किसी को प्यार, कोई शख्स है जिसको बहुत प्यार करते, तो उसी को भी माइंड के द्वारा हम आकर्षित कर सकते हैं, मतलब बाहरी जगत के. लेकिन हमको अगर वर्ल्ड जीतना है, उसको भी हम माइंड के द्वारा आकर्षित कर सकते हैं. तो आपने जैसे बोला कि अफर्मेटिव अगर हम सेंटेंसेस बोले, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, भले
भले मैं हूँ ना हूँ, लेकिन ये बोलने से ही हमारी लाइफ में सुधार आता है। तो ये बताइए कि ये कैसे होता है, या फिर ये प्रैक्टिस करना भी हो तो कैसे? बिकॉज पहले पहले अगर कोई ऐसे बोले तो हम लोग यार क्या पागल जैसे हम लोग बोलते रहे, यू नो आजू बाजू के लोग भी बोल सकते हैं ऐसे। तो आप एक सही तरीका बताइए इसको करने का। देखिए एफर्मेशन है मैं हूँ, इसी का एहसास दिलाना, मतलब मैं प्रेजेंट हूँ। ज़्यादातर लोग पास्ट में बिताते हैं, मतलब 80% पास्ट में बिताते हैं और 20% फ्यूचर में भी जाते हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा। एफर्मेशन एक ऐसा मतलब वर्ड्स है, ऐसा सेंटेंस है जो हमारे हमारे अंदर की जो शक्ति उसको जगाता है। अच्छा, सोचिए आप दिन भर यही बोल रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं डिवाइन सोल हूँ, मैं एनर्जेटिक पर्सन हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ और मैं खूबसूरत हूँ, तो क्या होगा अगर आप दिन में ये चार बार भी करने लगे, एक डायरी में लिखना है 10-10 बार और उसको बोल बोल के सिर्फ यही बोलना है जो मैं सुंदर हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं डिवाइन सोल हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं सारे इंडिया में कुछ करना चाहती हूँ, मुझे सोशल वर्क करना है लोगों के लिए, तो ये अगर बोलना भी शुरू कर दे तो हमारे कॉन्शियस माइंड ऐसा होता है वो वॉचमैन की तरह उसको वॉच करता है। उसके बाद अगर रेगुलरली इसको अगर कहेंगे ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में यह घुसने लगेगा। और ये एक प्रैक्टिस है 21 से 28 दिन तक करने का। अच्छा हाँ, मतलब कैसे होता है, यूजुअली हम लोग 2-3 दिन करते हैं, छोड़ते हैं, फिर बोलते हैं कि हमको होता ही नहीं है, तो 21 डेज तक हम लोग को ये करना है, आदत बनेगी, आदत बनेगा। अगर आप जो चीज आप धारण करना चाहते हैं उसको पहले अपने आप में अप्लाई करना है। धर्म मतलब क्या, जो हम धारण करते हैं, वो धारण करना मतलब पॉजिटिव चीजों को धारण करना। तो आज हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन लोगों को धर्म से मतलब अलग अलग धर्म के, लेकिन उन धर्म वालों भी कह रहे हैं जो पॉजिटिव चीजों को धारण करो, वही ग्रंथ में वही किया गया है, जो आप कैसे अपने लाइफ को पॉजिटिव चीजों से आकर्षित कर सकते हो। इट्स व्हेरी नाइस सर, तुम्ही बघताय की माइंड पॉवर म्हणजे काय तुम्ही बघितला। त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं की काही एक्सरसाइजेस आहेत जे आपण प्रॅक्टिस केल्यावरती आपल्या डेली लाईफमध्ये आपण काही बदल आणू शकतो, पॉझिटिव्ह बदल। असंच काही बरंच आपण ब्रेक नंतरही बोलणार आहोत, तोपर्यंत घेऊया एक छोटासा ब्रेक, पाहत रहा हॅलो कोल्हापूर। तर ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा हॅलो कोल्हापूरमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। आज आपण बोलत होतो माइंड पॉवरबद्दल। कमालिका घोषाल आपल्या बरोबर आहेत, कोलकातावरून आले ते, आणि आपण डिस्कस करत होतो काही माइंड पॉवरबद्दल। सो कमालिका जी, मुझे बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को ऐसे आता है कि देखिए जैसे मैंने आपको देखा, आप यहाँ पर आए हो, आप बहुत सालों से इस फील्ड में, तो आपकी एंट्री कैसे हुई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इस माइंड पावर के वर्ल्ड में आपकी एंट्री कैसे हुई? देखिए मैं अपने पढ़ाई तो ख़त्म की, एम कॉम किया, उसके बाद मैं केमिकल में किया, तो मैं हमेशा खोजती हूँ, जब खोजती रहती थी मुझे ये चार दीवारी से निकलना है। अच्छा। मुझे समाज के लिए, मुझे इंडिया के लिए, मुझे सारे वर्ल्ड के लिए कुछ करना है। तो मुझे मेरे भैया ने, मेरा जो भैया था उसने एक खोज दिया। 2009 में मेरे लाइफ का एक सीक्रेट बताती हूँ, 2009 में मेरे पास एक कैसेट आया था, सीडी कैसेट, जो कैसेट मैंने सुना और मुझे लगा वाओ क्या है, जिसका नाम है, मैं जरूर मैं गुरु का नाम बताना चाहूँगी, डॉक्टर जितेंद्र रैया। उन्होंने इंडिया में फर्स्ट माइंड पावर का क्लासेस लिया और लोगों को बताने शुरू किया जो माइंड पावर क्या है। तो उनका एक कैसेट आया था जो प्रेरणा की झरना बोल के, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब सुनी उस कैसेट को, प्रेरणा का झरना, तो मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला, मुझे लगा इनके पास जाके कोर्स करना है। अच्छा। ऐसा कहाँ मिलेगा। तो उसके बाद मेरे वही 2009 में मेरा और भी एक कैसेट आया जो मनी के ऊपर था, जो मेरे गुरु और भी एक गुरु है जिसका नाम है डॉक्टर स्नेह देसाई, वो अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं और मैं उन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि उन लोगों से मुझे प्रेरणा मिला। तो मैं उनका, वो डॉक्टर स्नेह देसाई का मैं क्लास करने गई और मैं माइंड पावर का उनको भी क्लास चलता है, तो वो सारे इंडिया में काम करते हैं और वर्ल्ड में भी काम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं उनसे विजन बनाई जो क्यों ना मैं इस माइंड पावर को लेके सारे वर्ल्ड में, सारे गाँव गाँव में, पूरे इंडिया को मैं बदल सकती हूँ।
तो मेरा टर्न उसी में माइंड पावर से मेरा टर्न हो, मेरे को अपने गुरु जैसा ही बनना है, उससे भी बेहतर बनना है। मैंने वादा किया अपने आप से और उसी स्टेज में मुझे ऐसा स्टेज चाहिए जहाँ पर मैं हजारों करोड़ों लोगों को माइंड पावर दूँ और उनका जो अंदरली जो एनर्जी है उनको बाहर निकालूँ और वो कभी ना सोचे जो मैं अकेले हूँ, क्योंकि मेरे साथ अपना माइंड है। बराबर है। तो आपका जैसे कि इस फील्ड में एंट्री होने के बाद आपको एक मिशन मिल गया ऐसे बोल सकता है, जो कि पहले शायद नहीं था या फिर कहीं तो हिडन था, वो आपको पता नहीं था। तो देखिए ये भी एक मैसेज हम लोग दे सकते हैं दर्शकों को कि यूजुअली हम में बहुत सारे देखिए मिशन होते हैं बट वो हिडन होते हैं, हमको खुद पता नहीं होता। तो शायद माइंड पावर यूज करने से हमको वो पता चले कि एग्जैक्टली हमको लाइफ में चाहिए क्या। तो आप देखिए बहुत सालों से अभी प्रैक्टिस कर रही है, आपके बहुत सारे सेमिनार्स होते होंगे, तो उसमें आपका अभी तक का एक्सपीरियंस बताइए, जैसे कि आप स्पिरिचुअल लेवल पर कैसे आपने डेवलपमेंट किया या फिर पहले जो आपकी लाइफ नहीं थी अभी इससे कनेक्टेड होने के बाद आपकी लाइफ कैसे बदल गई है। देखिए स्पिरिचुअल लेवल बोले तो मैं पंजाबी तेजस्वी विश्वविद्यालय से मतलब जुड़ी हुई हूँ और मैं परम पिता भगवान के साथ जुड़ी हुई हूँ और मुझे मतलब माइंड पावर के बाद ये मिला और मेरा लाइफ एकदम टर्न मतलब लाइफ एकदम बदल गया। मैंने अपने माइंड को इतना यूज़ किया स्पिरिचुअल लेवल में, इतना हायर पावरफुल मैं नहीं बोली मैं अभी भी मतलब प्रैक्टिस करती हूँ, प्रैक्टिस जारी हूँ, लेकिन खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दूसरों को प्रैक्टिस नहीं करा सकते। मेरा लाइफ एकदम टोटली जैसे साधारण सा लाइफ जी रहे थे, मतलब साधारण मतलब अपने आप को कुछ करने का इच्छा था, लोगों को बदलने का इच्छा था। आज तक मैंने इंडिया में मतलब सारे इंडिया अभी तक मैं घूम चुकी हूँ और मैं ट्रेन में बस में फ्लाइट में जब भी जाती हूँ मैं लोगों को यही टेक्निक बताते रहती हूँ। मेरा लाइफ मतलब ऑसम चल रहा है, मतलब अनबिलीवेबल। अब मैं लगता है मैं वर्ल्ड को जीत सकती हूँ और मैं भगवान के द्वारा मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका और मेरे जितने भी गुरु है उनके लिए भी मैं थैंकफुल कहना चाहती हूँ, उनको थैंक यू मतलब तहे दिल से उनका आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस पथ पे चलाने के लिए प्रेरणा दिया। और मैं एक ऑसम लाइफ जी रही हूँ, मैं लोगों को बदल सकती हूँ अपने माइंड को द्वारा, मैं लोगों को मतलब बाबा के साथ भगवान के साथ कनेक्ट करके लोगों को वाइट रेड एनर्जी जैसे हील कर सकती हूँ और मैं लोगों को माइंड भी रीड कर सकती हूँ और मैं लोगों को दुख दर्द जो हमारे पास जो मतलब क्या बोलते हैं ना समस्या आता है मैं समाधान भी दे सकती हूँ। मुझे तो एक अमेजिंग लाइफ मिला है। आज मैं अकेली हर जगह चली जाती हूँ, मुझे डर नहीं लगता है, मैं पहाड़ों में जाती हूँ, मैं उन पहाड़ों में खो जाती हूँ और मैं लोगों में जब माइंड पावर देती हूँ मैं उनके खो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस इज अमेजिंग लाइफ। सीरियसली देखिए जैसे कमालिका जी ने अमेजिंग लाइफ बनाई है, तो आई होप कि आपका ये सुनने के बाद ना हमारे जितने दर्शक है वो भी यू नो ये यूटिलाइज करें। तुम्हें बगता कि आज अपन डिस्कस केलं हेलो कोल्हापूरमध्ये माइंड पावर बद्दल। कमालिका जी थैंक यू सो मच फॉर शेअरिंग ऑल युअर थॉट्स। अँड असंच आपण दुसरा एखादा एपिसोड घेऊन येणार आहे तुमच्यासाठी नेक्स्ट वीकमध्ये। तोपर्यंत बघत रहा SPN डिजिटल। मी पूजा पावसकर तुम्हा सर्वांचा निरोप घेते। धन्यवाद।